अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। करीब 150 सीसीटीवी की फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने मेरठ के गोपाल दी हट्टी ज्वेलरी शोरूम को लूटने वाले दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। खतौली निवासी मुकेश वैशाली बिहार निवासी संजय शातिर अपराधी हैं। 2002 में मुकेश ने गाजियाबाद से अपहृत व्यापारी से 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। दोनों के ऊपर जेल जाने के कारण कर्जा हो गया था। इस कर्ज को उतारने के लिए ही इस लूट को अंजाम दिया गया। मुकेश ऑफ टीटू खतौली के मोहल्ला सैनी नगर जबकि संजय शाह खरतान जिला वैशाली बिहार का रहने वाला है। मुकेश 14 साल तक तिहाड़ जेल में बंद रहा है। मेरठ के बेगमपुर स्थित गोपाल दी हट्टी ज्वेलरी शोरूम को बीते शुक्रवार को दो बदमाशों ने लूट लिया था। लूट से पहले बदमाशों ने मालिक राजीव कपूर समेत बाकी के हाथ पैर बांध दिए थे। बेगमपुर व्यापार संघ ने खुलासा न होने पर 24 घंटे बाद शोरूम के सामने धरना शुरू कर दिया था। यहां एसपी सिटी पीयू सिंह ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लेने की जानकारी दी थी। इसके बाद संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता ने धरना समाप्ति की घोषणा कर दी थी। करीब 30 घंटे में इस लूट का खुलासा करते हुए एसएसपी रोहित सजवाण ने यह जानकारी मीडिया को दी। थाना लालकुर्ती के अंतर्गत 7 तारीख को दिन में 12:15 के आसपास एक सराफा के प्रतिष्ठान है वहाँ पर दो लोगों के द्वारा घुसकर वहाँ पर लूट की घटना कारित की गई, जिसमें वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा थाना लालकुर्ती के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था और इसमें जो भी पुलिस के द्वारा इसमें प्रारंभिक जो वेचना इसमें शुरू की गई, जिसमें कि पुलिस की 10 टीमें लगाई गई थी और 10 टीमों के द्वारा जो छानबीन की गई, सीसीटीवी कैमरों का की फुटेज प्राप्त की गई, उसमें दो जो व्यक्ति हैं इनका नाम प्रकाश में आया, जिसमें कि ये एक युवक जो है वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, दूसरा युवक वैशाली जनपद का रहने वाला जो बिहार का है, और इन दोनों ही युवकों की शिनाख्त मुजफ्फरनगर पुलिस के सहयोग से की गई और वहाँ पर फिर जो खतौली बॉर्डर है वहाँ पर हमारी जो पुलिस की टीमें हैं हमारी और मुजफ्फरनगर की टीम के द्वारा संयुक्त उसमें गिरफ्तारी दोनों के द्वारा की गई है और दोनों ही युवकों को जो व्यक्ति हैं इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जो संपूर्ण सामान 100% जो सामान गया था उसकी बरामदगी पूर्ण रूप से की गई है और घटना के वक्त जो असलहे इनके द्वारा वहाँ पर उपयोग में लाए गए थे उन दोनों की ही बरामदगी की गई है। जो चाकू उपयोग किए गए थे वो चाकू भी बरामद किए गए और जो सिलसिलेवार जो जब ये घटना से पहले आए और घटना के बाद जैसे जैसे गए हैं वो सारी सीसीटीवी फुटेज प्राप्त की गई। इसमें जो है मूल्यांकन तो हमने नहीं किया, लेकिन मूल्यांकन में जो भी सूची उपलब्ध कराई गई थी और जो संपूर्ण माल एक पिट्ठू बैग में उस सामान को लेके गए थे, वो पिट्ठू बैग पूरी तरह से बरामद हो चुका है। उसमें जो सामान था वो सारा का सारा 100% इसमें बरामद हुई है, जिसकी जो लिस्ट है वो प्रेस नोट में संलग्न की गई है। ये जो सारा सामान है संपूर्ण ये जो भी सामान वहाँ से गया है सारा संपूर्ण 100% सामान ये है जो लिस्ट में आपको दिया गया, सारा सामान यही है। इसका जो मूल्यांकन हमारे द्वारा नहीं किया गया, इसमें जो भी सामान गया था वो सारा सामान ये इसका मूल्यांकन जो भी सूची में सामान गया सारा सामान बरामद की गई और वादी से वहाँ वार्ता भी की गई और वादी भी संतुष्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।